सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि मैं जा रहा हूं पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब में, जहां पर गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब जी में जोड़ मेले का आयोजन होता है। ये वीडियो भी मैंने 26 दिसंबर 2023 को शूट किया था। हाँ जी, क्या हाल चाल आप सबके? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ, और आप सब मेरे साथ बने रहिए। चलिए, सतनाम श्री वाहेगुरु। गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब जी के बाहर मैं पहुंच चुका हूं। बाहर जस्ट गुरुद्वारे के जस्ट बाहर मैंने एक स्टॉल देखा जहां पर अस्त्र शस्त्र आपको मिलेंगे। ये देखिए, वो सरदार जी किसी को तलवार दिखा रहे हैं और उन्होंने चेक करके दिखाया तलवार की मजबूती। ये देखिए यहाँ पर कितने सारे शस्त्र रखे हुए हैं। सतनाम श्री वाहेगुरु। ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए ना मन बहुत भारी हो रहा था, मतलब कि बड़ा अजीब सा फील आ रहा था, क्योंकि इस समय पर यहाँ जो मेला लगता है ना वो शहीदी मेला होता है, क्योंकि हमारे गुरुजी गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बेटों को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाती है। हाँ जी, जो हमारे साहेबजादे हैं फतेह सिंह जी और जोरावर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए ये आयोजन होता है, और पूरे पंजाब में जगह जगह पर उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लंगर का आयोजन होता है, जिसको कहा जाता है गुरु का लंगर। और ये आयोजन ना हर साल 26 दिसंबर 27 दिसंबर 28 दिसंबर यानी कि हर साल 3 दिन के लिए होता है। इस गुरुद्वारे को साहेबजादा फतेह सिंह जी और साहेबजादा जोरावर सिंह जी की जीवित समाधि स्थल बोला जाता है, और हर साल यहाँ पर करोड़ों में श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आते हैं। तो अभी अंदर माथा टेकने के लिए मैं भी जा रहा हूँ, और आप मेरे सामने देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। साइडों में भी इतनी ज़्यादा भीड़ है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पर कड़ा प्रसाद मिलता है, माथा टेक कर हम आएंगे दरबार से, फिर हम भी कड़ा प्रसाद छकेंगे। तो चलते हैं अंदर माथा टेकने के लिए। सतनाम श्री वाहे गुरु। दर्शन करके बाहर आया तो देखा हजारों लोग बैठे हुए कीर्तन सुन रहे हैं आराम से बैठकर, और सभी लोग आराम से बैठे गुरु का ध्यान कर रहे हैं और कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। ये देखिए कितने दूर दूर तक भीड़ है। ये जगह है ठंडा बुर्ज। इस जगह पर माता गुजरी देवी जी का देहांत हुआ था, छोटे साहेबजादों की खबर सुनकर, उनकी शहादत की खबर सुनकर। माता गुजरी देवी जी गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी थे, और फिर अगले दिन यहाँ के दीवान टोडरमल ने, जो कि एक सेठ हुआ करते थे, उन्होंने 7,000 से ज़्यादा सोने के सिक्के देकर इस जगह को अपने अंडर लिया था, ताकि वो हमारे साहेबजादों का अंतिम संस्कार कर सके। और 7,000 सिक्के देकर उनको उतनी ही ज़मीन मिली थी जितनी जगह में वो उनका अंतिम संस्कार कर सके। तो उसके हिसाब से ये दुनिया की सबसे महंगी ज़मीनों में से एक है। ठंडा बुर्ज की तरफ ज़्यादा भीड़ होने के कारण मैं बाहर से बाहर आ गया, क्योंकि अंदर जाने में कम 1 घंटा लगता। तो यहाँ पर आया तो कड़ा प्रसाद लिया, और फिर थोड़ी देर बैठकर आराम से कीर्तन का आनंद लिया। ये देखिए, यहाँ पर आपको निशान साहेब जी भी 2 देखने को मिलेंगे, ये ऊपर की तरफ। जब तक हम यहाँ पर बैठकर गुरु जी का थोड़ा कीर्तन सुनते हैं, आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कॉमेंट कीजिएगा, और हमें बताइएगा कि आप कभी जोड़ मेल में आए हैं, और अगर नहीं आए हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर आइएगा।
तब तक के लिए आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते।